नमस्कार, मैं चेतना, चेतनाज न्यू किचन में आपका स्वागत है। हर बार हम एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। सुबह से घर का काम ख़त्म करने के बाद मैं 1 से 1.5 घंटा करीब दोपहर में चैनल का काम भी करती हूँ, तो ये भी ख़त्म हो चुका है। तो अब हो रहा है फल खाने का टाइम, तो बस चिलचिलाती गर्मी में मनपसंद फलों का हम जूस बनाएंगे और उसको इतना स्वादिष्ट बनाएंगे कि घर में सब झटपट पी जाएं। मौसम के हिसाब से आप सभी के लिए ये रेसिपी बिल्कुल ख़ास है, क्योंकि इस मौसम में लू बहुत चलती है। अगर आप 1 से 2 ग्लास भी ये जूस पी के निकल जाएंगे बाहर, तो लू का डर नहीं रहेगा। तो चलिए आपको अमृतसर की धूप के दर्शन कराते हैं वीडियो में, क्योंकि जब आप जूस की रेसिपी देखेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो देखिए अमृतसर में कितनी चिलचिलाती धूप और तेज़ गर्मी पड़ रही है, कॉलोनी में बिल्कुल सन्नाटा है। आप अगर ऐसी धूप में अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो लू लगने का बहुत डर है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ, आप जैसे कैरी का पन्ना पीते हैं तो लू नहीं लगती, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे फल की और रेसिपी बताऊंगी, उसका जूस और उसमें क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट्स डालने हैं जिससे आपको लू नहीं लगेगी। हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन से फल हैं हमारे पास, तो जिसकी हम ऐसी रेसिपी बनाएं कि वो लू में ख़ास तौर से फ़ायदेकारक हो। तो खरबूजा भी है, तरबूज भी है और आम भी, तो ये तीनों फल लू में बहुत फ़ायदेकारक होते हैं। आप इसमें से किसी का भी जूस पी के आप बाहर निकल सकते हैं, तो लू का डर कम से कम है। तो आज मैं बना रही हूँ खरबूजे का जूस। खरबूजा आजकल बहुत अच्छा आ रहा है, स्वाद में भी अच्छा आता है और काफ़ी क्वांटिटी में आपको तरह तरह के छोटे खरबूजे की बट्टी, बड़ा खरबूजा, तो यहाँ पर अमृतसर में ज़्यादातर इस तरह का खरबूजा ही मिलता है। तो सबसे पहले हम इस खरबूजे को धो लेंगे, बिल्कुल पका खरबूजा लेना है हमें, तो धो के साफ़ करके फिर हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये शरबत आपके यहाँ सभी को पसंद आएगा और सब गटगट करके पी जाएंगे। अब मैं इसको काट लूँगी, तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगी और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मैं ऐड करूँगी जिससे स्वाद भी अच्छा होगा और वो हमारे ये जो लू की समस्या है उसमें भी फ़ायदेकारक होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको काट लेती हूँ, तो इसको 2 भाग में काट रही हूँ मैं। पहले तो हम इस खरबूजे का जूस बनाएंगे और उसके बाद आधे खरबूजे की चटपटी चाट बनाएंगे। अगर आप चाट खाना चाहते हैं तो सिंपल तरीके से वो मसाले मिला के खा लीजिए, और अगर जूस पीना चाहते हैं तो आप उसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। तो खरबूजा आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं, सीधे इसकी स्लाइसेस करिए और खा लीजिए, पर हम लोग सोचते हैं कि हर फल को हम डायरेक्ट खाएं तो रोज़ खाते खाते भी हम बोर हो जाते हैं, हमें कुछ नया चाहिए होता है। तो मैं इसीलिए आपके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ कि आज मैं दोनों ही चीज़ आपको खरबूजे की ऐसी बताऊँगी जिससे खरबूजा और टेस्टी लगेगा आपको। तो ये देखिए मैं स्पून की सहायता से इसका सारा पल्प मैंने खाली कर लिया है, तो ये जो कवर है वो हमें काम आएगा, मैं आपको बाद में बताऊँगी कि किसका हम क्या यूज़ करेंगे। तो इस तरह से, क्योंकि इसका छिलका कवर का मोटा होता है इस वाले खरबूजे का, और जो आप बट्टी लेंगे उसका नहीं होता, उसका थोड़ा सॉफ्ट होता है। अब मैं इसको एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी, और आप चाहें तो हैंड मिक्सर से भी इसे पीस सकते हैं, फेंट सकते हैं, और आप चाहें तो जूसर के जार में भी। जूसर के जार में करना है उसमें आप इसको इस तरह से फेंट लीजिए, और हैंड मिक्सर है आपके पास तो उससे भी यूज़ करके आप इस तरह का इसका जूस बना सकते हैं। इस जूस को मैं छानूंगी नहीं, क्योंकि इसमें जो पल्प है उसमें फाइबर है और वो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेकारक है। इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी काली मिर्च और 2 चम्मच शहद। तो देख लीजिए मैं आप बहुत सिंपल मसाले और सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेकारक मसाले यूज़ कर रही हूँ। शहद, काली मिर्ची, पुदीना, ये पुदीने की पत्तियाँ मैंने बारीक बारीक काट ली हैं, और बनने में भी आसान है, मिनटों में बन जाता है। इसमें आप चाहें तो पानी ऐड कर सकते हैं, पर मैं नहीं करूँगी पानी ऐड। और एक मैं आपको अभी बात बताऊँगी वीडियो में, वो ध्यान से सुनिएगा कि इसमें क्या चीज़ ऐड नहीं करनी है। कभी भी हमें खरबूजे में कौन सी चीज़ है जो ऐड करके नहीं पीना है, तो ये मैंने डाला थोड़ा सा काला नमक।
बहुत थोड़ा सा काला नमक डाला है, आप सादा नमक भी यूज़ कर सकते हैं या दोनों भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। मीठे के लिए हमने सिर्फ इसमें शहद डाला है 2 चम्मच, शक्कर बिल्कुल यूज़ नहीं करी है, पुदीना, काली मिर्च। अब हम जो भी मनपसंद ग्लास है उसमें कुटी हुई बर्फ़ डालेंगे और ग्लास को खरबूजे के शरबत से भर देंगे। तो देखिए ठंडा ठंडा खरबूजे का शरबत बनके तैयार है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और घर में सबको लू से बचाइएगा। थोड़ी सी पुदीने की पत्ती और नींबू से गार्निश कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो इसमें थोड़े से नींबू का रस ऐड भी कर सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मैंने मसाले बताए हैं वही सफिशियंट हैं। तो अब चलिए बनाते हैं फटाफट इसकी खरबूजे की चटपटी चाट। तो इसको फिनिश कर लेती हूँ मैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप खरबूजे का शेक पीना चाहते हैं तो उसमें दूध ऐड मत करिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार खरबूजे के साथ दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। लेकिन आप पीते आ रहे हैं अगर इस तरह का मिक्स करके और आपको सूट हो रहा है तो आप पी सकते हैं। वैसे मैं मना करूंगी कि नहीं पीना चाहिए। हम आज बिल्कुल भी दूध नहीं यूज नहीं करेंगे और बिना दूध के बनाएंगे खरबूजे का शरबत, जो लू से बचाएगा हमें, स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है और आप इसमें अपने टेस्ट के अनुसार मसाले मिलाकर इसे पी सकते हैं। और साथ में हम बनाएंगे खरबूजे की चाट। तो चलिए फटाफट खरबूजे की चटपटी चाट बना लेते हैं। तो आधा खरबूजा जो हमने रखा था उसको हम थोड़े अपने मनपसंद पीसेज में काट लेंगे। तो आपको जैसे भी पीसेज अच्छे लगते हैं उसको काट लीजिए, उस तरह से उसे काट लीजिए। तो मैं सिंपल तरीके से काट रही हूँ, पहले मैंने इस तरह की स्लाइसेस करी, फिर उसमें कट लगाया और इसको एक साथ चक्कू से हम निकाल देंगे तो बहुत फटाफट कट भी जाता है और बराबर के पीस कटते हैं। तो ये जो कवर रखा है अब हमें काम आएगा, जो खरबूजे के छिकल का कवर हमने बचाया था। और इसमें मैं मिला दूंगी पुदीना, नींबू। तो पुदीना, नींबू, शहद और काली मिर्च और नमक, ये आप अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। इसमें भी आप चाट मसाला डाल सकते हैं, ये मैंने काला नमक डाला थोड़ा सा बस, चाट मसाला नहीं डाला है मैंने, उसमें भी नहीं डाला था जूस में। और इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें अपने मनपसंद लाल मिर्ची भी मिला सकते हैं, थोड़ी सी आपको बारीक काट के हरी मिर्ची पसंद हो वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने नहीं करी है। इसको आप इस तरह से सर्व करिए, सब देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगे कि अरे वाह, खरबूजे की चाट भी बनती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, दोनों चीज़ें बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी बनी। तो आप भी बनाइए, सबको खिलाइए, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो ये फ्रूट सब मैं रख देती हूँ, नेक्स्ट रेसिपी को लेकर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।